ग्वालियर शहर के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर को वेस्टर्न बाईपास की सौगात मिली है। ग्वालियर प्रवास पर आए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने वेस्टर्न बाईपास परियोजना को सिद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। सांसद भरत सिंह कुशवाहा की पहल पर उन्होंने ये स्वीकृति दी। केंद्रीय राज्य मंत्री टमटा ने बताया कि आगरा ग्वालियर 6 लेन बनने जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है। सड़क निर्माण के लिए टेंडर भी मंगाए गए हैं। इस नेशनल हाईवे के बनने के बाद आगरा और ग्वालियर की 91 किलोमीटर की दूरी जो अभी 3 घंटे में पूरी होती है वह 1 घंटे में हो जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि पूरी वैज्ञानिक पद्धति से इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है जो 6 लेन होगी और जल्द ही अंचल के लोगों को इस सड़क का लाभ मिलेगा। आज मेरा आपके मंत्री रख दो जो सुधार हुआ है, काम हुआ है, इसके कारण से बहुत सारी जगहों को, बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी सुविधाएं सड़क मार्ग का लाभ मिल रहा है। इसी पे मुझे कहना है कि एक परियोजना आपके वहाँ आगरा ग्वालियर इस परियोजना में लगभग 88.4 किलोमीटर की है, इसकी लागत 4,500 करोड़ की है, इसकी डीपीआर का काम हमारा पूरा हो गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।